हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में भी भारत में अधिकांश लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं। एक समय था जब भारत ने दुनिया को कपड़ा पहनाया और ये क्रम अंग्रेजों के समय में आधुनिक भारत तक चलता रहा। तो हमारा पुराना इतिहास बहुत गौरवशाली है। उस गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए मैं कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो उनमें सबसे पहली किताब है ये टोनी जोसेफ की आरंभिक भारतीय। इस आरंभिक भारतीय नामक किताब में आप देखेंगे तो अफ्रीका से भारत में पलायन करने वाले लोग किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, कब आते हैं, उन्होंने पहली बस्ती कब बसाई, पहली बार कृषि करना कब प्रारंभ किया और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर नगर बनाए हैं। आपको यहाँ पर उनकी चित्रकला, उनकी मूर्तिकला, उनकी लिपि और उन्होंने वस्त्र कब से पहनना शुरू कर दिए थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ये किताब भारत में आर्यों को आक्रमणकारी के रूप में दिखाती है। डीएनए के आधार पर आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है, ये दिखाती है। आर्यों की अलग संस्कृति है, इसकी इसमें चर्चा है। भारत में जो सरस्वती नदी की चर्चा है, ये किताब उसको घग्गर अकरा घाटी बताती है। तो इस तरीके से भारत में, भारत के इतिहास में जो भी कुछ आरंभ में हुआ है, यानी प्रथम कृषि, प्रथम बस्ती, प्रथम ग्राम, प्रथम नगर, प्रथम लिपि और अन्य जो भी, जब मानव ने अपने आप को सभ्य बना लिया था, उसके बाद उसने जो भी बनाया है उसकी चर्चा इस किताब में हमें मिलती है। तो हमें भारत के इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये किताब बहुत अधिक बड़ी नहीं है, आप चाहे जैसे 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं। इसमें हमारा अतीत है और हमारा अतीत बहुत शानदार एक समय है। ऐसा था जब ब्रिटेन का अस्तित्व नहीं था और हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग चल रही थी। तो हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगली एक किताब और है, ये किताब पुरुषोत्तम श्री सदार की है। इस किताब में जहाँ टोनी जोसेफ ने पिछले 5 वर्षों का जो भी अध्ययन हुआ है, जो भी रिसर्च हुई है, जो भी खोज हुई है, विद्वानों ने जो भी कुछ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, उसको आधार बनाकर उन्होंने ये किताब लिखी है। तो वहीं ये पुरुषोत्तम श्री सदार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, आर्यों ने किस प्रकार से आक्रमण किया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। तो हमें एक तरफ ये पुरुषोत्तम श्री सदार हड़प्पा के पतन की ओर अधिक ध्यान दिलाते हैं, वहीं ये टोनी जोसेफ हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में अधिक बताते हैं। इसमें भाषा की इन्होंने विस्तार से चर्चा की है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पढ़ने का ये दावा करते हैं। तो ये किताब भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये दो किताबें हैं, यानी एक ये टोनी जोसेफ की आरंभिक भारतीय और ये किताब पुरुषोत्तम श्री सदार की, ये दोनों किताबें हड़प्पा के निर्माण और हड़प्पा के पतन की जानकारी हमें दे देती हैं। परंतु इसके बाद में अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर राजीव पटेल की दो किताबें हैं। एक किताब है ये भ्रम का पुलिंदा और दूसरी किताब है वैदिक युग का घालमेल। वैदिक युग का घालमेल किताब, अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं, यानी आरंभिक भारतीय और सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, तो मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये किताब बहुत बड़ी नहीं है, आप इसे एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ें तो आप इसे भी पढ़ें। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बाद जो घालमेल भारत में हुआ है उसकी असली कहानी इस किताब में मिलती है। तो ये कहानी बहुत ही, तो ये किताब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आपको ये किताब अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और अगर आप किताबें पढ़ने के बहुत अधिक शौकीन हैं तो मेरे पास एक किताब और है, ये डॉक्टर नवल वियोगी की, ये डॉक्टर नवल वियोगी की किताब है। इन्होंने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर विस्तार से लिखा हुआ है। तो आप इन किताबों का अध्ययन करें और ज़रूर करें। और आप किस किताब पर बुक समरी चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।